बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्लीव डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। और इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बुकरम की कटिंग करेंगे। हमने बुकरम की वेथ जो हमने ली है वो हमारी 10 इंच है, और हमारी लंबाई जो है वो हमारी 6 इंच है। तो इस तरह से पहले हम बुकरम को सेंटर से फोल्ड करके और दोनों साइड से हम 2 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे, इसी तरह से, और लेंथ में हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। हमने दोनों तरफ से निशान लंबाई में लगा दिया है। अब हम वेद में निशान लगाएंगे इस तरह से। हमने 1 इंच से थोड़ा ज्यादा लिया है, इस तरह से एक निशान लगाएंगे, फिर हम दूसरा निशान सेम इसी तरह लगाएंगे। हमने 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा निशान इसी तरह लगा दिए हैं, 3 बॉक्स बना दिए हैं। अब हम वेद में भी इन निशानों को मिला देंगे। हमारा पहले वाला जो बॉक्स है उस पे इस तरह आधे इंच के फासले पे इसी तरह निशान लगाएंगे, और दूसरे पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इसी तरह से, और तीसरे पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे इसी तरह से। अब हम बुकरम की कटिंग करेंगे। हमने दूसरे कपड़े पे बुकरम अटैच कर दी है। अब हम स्लीव के ऊपर इस तरह से रख के सिलाई करेंगे। हमने सेंटर वाला कपड़ा कटिंग करके नोकों से हमने कट लगा दिए हैं। अब हम फोल्ड करेंगे बैक साइड। हम आयरन से सेट करेंगे। हमने आयरन से कपड़े को सेट कर दिया है। अब हम तुरपाई करेंगे। हमने स्लीव्स की तुरपाई कर दी है। अब हम स्ट्रिप बनाएंगे। हमने 1.5 इंच वेद में कपड़ा लिया है और लेंथ में हमने ज्यादा लिया है। अब हम स्ट्रिप बनाएंगे इसी तरह से फोल्ड करके। हमने स्ट्रिप बना ली है। अब हम इसके ऊपर इसी तरह से रख के कटिंग करेंगे। हमें 3 स्ट्रिप चाहिए।
अब हम अटैच करेंगे। हमने इसी तरह स्ट्रिप लगा दिए हैं और हमने दो टसल्स लगाए हैं कंट्रास्ट में। आप अपने हिसाब से कोई भी कंट्रास्ट कर सकती हैं। इस तरह हमने टसल्स बनाए हैं। हमने ईरानी धागा लिया है और स्ट्रिप के ऊपर इसी तरह 26 बार हमने फोल्ड किए हैं। बीस बार इसी तरह फोल्ड करके फिर हम नीडल की मदद से इसी तरह इसको टाका लगाएंगे एक तरफ। अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके स्ट्रिप से बाहर निकालेंगे। इसी तरह जहाँ पे हमने एक टाका लगाया है हम वहाँ पे इसको तीन और टाके लगाएंगे। अब हमारी जो दूसरी साइड है हम वहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। अब हम स्लीव्स को टर्न करके लगाएंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। हमने इसी तरह से तीन टसल्स लगा दिए हैं। ये हमारी फाइनल लुक है। आई होप आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में भी जरूर लिखिएगा अपने कमेंट्स। खुदा हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's